दोस्तों, गर्ल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। गर्ल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ये नया वीडियो, मैं चित्रा श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ। गर्ल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जी हाँ, जहाँ नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, बहुत सारे ट्रेड्स सिखाए जाते हैं। ऑपरेटिंग एंड टेक्निकल ट्रेड्स हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। ऑपरेटिंग में हम लोग मोबाइल क्रेन, एक्सकवेटर, फोकलिफ्ट, टावर क्रेन, ओवरहेड क्रेन, क्रॉलर क्रेन, बहुत सारी यहाँ पे आपको ये ट्रेड सीखने को मिलती है। साथ ही साथ टेक्निकल में आपको सब मिल जाते हैं, वेल्डिंग, सेफ्टी कोर्स, इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी, वाटर ट्रीटमेंट, पाइप फिटर, मैकेनिकल फिटर और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक पर्पस के लिए। हमारा जो एक तकिया कलाम आप सभी ने सुना है, उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा, एक हाथ में सर्टिफिकेट और दूसरे हाथ में जॉब। जी हाँ दोस्तों, आज वापस इसी बात को सिद्ध करते हुए हम वापस आपके पास आए हैं। एक हमारे स्टूडेंट जिनको हम सर्टिफिकेट के साथ, सिर्फ सर्टिफिकेट देके नहीं, साथ ही साथ जॉब के लिए भी भेज रहे हैं यहाँ से। हमारी खुशी का तो ठिकाना हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम हाँ ये जरूर शेयर कर सकते हैं दोस्तों आपके साथ कि हम लोग ये जो वीडियो डालते हैं आपके लिए, हर बार अपडेट करते हैं ये आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि देखिए यहाँ पे आकर आप जो कोर्स करते हैं, कोर्स के साथ ना सिर्फ आपको एक उम्दा ट्रेनिंग बट आपको यहाँ से जॉब फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। जो आप सबका फोकस जिस पे रहता है वही हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं हमारे डायरेक्टर सर शेख फरीदुल्ला साहब से और जानते हैं, इस वीडियो को आगे तक देखिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू चित्रा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फरीदुल्ला, आपके गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमारे एक स्टूडेंट, हमारे मैम भी हैं। बहुत अच्छा बताएं आपको कि हमारे हाथ में, एक हाथ में सर्टिफिकेट, एक हाथ में जॉब, किस तरह से हम लोग देते हैं। बहुत सारा ट्रेड है, मैम ने अभी आपको बताया कि बहुत सारा ट्रेड है, खास करके हमारे पास में जो ऑपरेटिंग ट्रेड है उसमें एक्सकवेटर, जेसीबी, लोडर, ग्रेडर, मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन, फॉर्कलिफ्ट, बहुत सारे ट्रेड हम लोग सिखाते हैं। तो इसको सीखने के साथ साथ हम लोग जॉब भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक स्टूडेंट, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से यहाँ ट्रेनिंग किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग का, ये सारा चीज जानेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मेरे पास में मशीन डेमो रखी हुई है, तो ये हस्की क्रेन है, जिसको हम लोग ट्रक माउंट हस्की क्रेन कहते हैं, ऑटो क्रेन कहते हैं। ये ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन है और ये क्रावलर क्रेन है। तो ये तीनों मशीन हमारे पास में है अवेलेबल, सिखाते हैं कि आपको किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, किस तरह से ट्रेनिंग लेने के बाद एक मशीन अगर चलाते हैं तो किस तरह से सारा मशीन चला सकते हैं, हमारे स्टूडेंट से जानेंगे। मैं तो बता सकता हूं, लेकिन हमारे स्टूडेंट से जानेंगे। तो आपसे जानकारी चाहेंगे कि आप कहां से हैं और क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम पिंटू कुमार, मैं बिहार के हूं। बिहार से हैं जी, बिहार। तो आप आके यहां ट्रेनिंग किए, तो क्या क्या चीज सीखे, क्या चीज? मोबाइल क्रेन सर सीखे। पिंटू, आप कहाँ तक पढ़ाई वढ़ाई किए हैं? सर ट्वेल्थ तक पढ़ाई जी। तो कैसा सोचे कि यहाँ करके ट्रेनिंग करने से हमारी जो है सक्सेस हो जाएंगे, कैसा सोचे थे आप? सर यूट्यूब से देख कर सर चमपे यहाँ पर। अच्छा, तो जो चीज सोच के यहाँ पहुंचे तो सारा चीज मिला? यस सर मिला। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा पिंटू कि आपका तो सर्टिफिकेट देंगे, आपके लाइसेंस भी बना है, थोड़ा सा इसका बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमारे व्यूअर्स लोग को, थोड़ा सा बताइए ये क्या है, ये कौन सा मशीन है? हस्की क्रेन है। इसमें क्या होता है? ये भी 360 डिग्री में ये भी घूमता है, इसी करता है, ये भी बूम अप डाउन होता है, ये हरियाबी होता है। ट्रक माउंटेन हाइड्रिक क्रेन है, तो इसका भी बूम वगैरह, ये भी बूम अप डाउन होगा। ये 10 चक्का की क्रेन है। अच्छा, ये दो इंजन की है, दो डबल इंजन, डबल इंजन की है, ऑपरेटिंग केबिन के लिए इंजन है, ड्राइविंग केबिन के लिए इंजन है। वेरी गुड। और क्या इसमें है, कितनी सेक्शन की है? सेक्शन के बूम है। लीवर कितना है इसमें? लीवर सर चार है, चार लीवर वाले। कितनी टन कैपेसिटी की है? 50 टन। अच्छा, इससे क्या क्या किए हैं सर? लोडिंग अनलोडिंग, पाइप फिटिंग। अच्छा, मतलब डिफरेंट जॉब, डिफरेंट लोडिंग अनलोडिंग किए हैं, पाइप फिटिंग का काम भी किए। जी जी सर। और क्या किए हैं? एरिक्सन का काम, एरिक्सन के काम किए हैं सर। अच्छा, डिस्मेंटलिंग का भी काम किए जी। तो ये सारी चीजें आप अपने से किए हैं? जी सर, अपने से किए हैं। और क्या क्या चीज हम लोग जो यहाँ सिखाते हैं, कितना कितना देर मिलता है ट्रेनिंग में? सर शुरू शुरू में तो 20 मिनट मिला, उसके बाद आधा घंटा। दिन 20 मिनट कितना दिन मिला? 4 से 5 दिन मिला, उसके बाद आधा आधा घंटा मिलने लगा सर। अच्छा, आधा घंटा जी सर। और क्या किया सर? डंपर भी डाइविंग, डंपर भी मिला सर। क्रेन आधा घंटा चलाया, डंपर 20 मिनट सर, 50 मिनट डेली मिलता था सर। मिला जी सर। तो मैं पिंटू आपसे जानना चाहूंगा, हमारे जो टीचर, दोनों टीचर जो पढ़ाते हैं, सदाब सर, सुकेश सर, दो दो टीचर हमारे थ्योरी पढ़ाने वाले हैं जी सर, वो कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं सर, मशीन के बारे में समझाते हैं सर, पूरा मशीन के बारे में समझाते हैं। क्रावलर क्रेन है, क्रावलर क्रेन है।
तो इसमें भी सेम काम है सर, इसमें सेम काम है, वही काम है जी सर। तो ये भी 360 डिग्री में घूमता है ये भी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज आप स्टूडेंट के नाते कि अगर एक मशीन चलाने का तो सारा मशीन चला सकते हैं? सर पूरा चला सकते हैं, यस सर सब मशीन चला सकते हैं। ड्राइविंग के लिए रहता है तो सब एक ही रहता है सेम सर। इसमें कोई आरिया भी होगा, स्विंग होगा, बूम अप डाउन होगा, ये भी वही मार्चिंग करने के लिए इसमें चैन लगी हुई है, चैन लगी है माशाल्लाह। ये थे आर रखिए इसको, और नॉलेज है आपको? यस सर दिया गया मेंटेनेंस जी जी, इस तरह से बताया जाता है, यस सर पूरा अच्छी तरह से समझाया जाता है जी सर। तो क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स लोगों को, क्या बोलोगे? यही बोलना चाहेंगे जो यूट्यूब देख रहे हैं भाई, यहाँ पर आइए और ट्रेनिंग कीजिए और जॉब पर जाइए। तो खाने रहने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने के कोई आपका दिक्कत नहीं। कितनी फीस कितनी लगी थी? 40,000 सर। 40,000 लगी जी सर। तो कितना दिन तक ट्रेनिंग की है? सर अभी 40 दिन कर लिए सर। 40 डेज सर। 40 डेज हो गया जी सर। तो देखिए ये 40 डेज में रह करके सारा चीज, मशीन से तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं मशीन से कोई दिक्कत नहीं है, मिले तो चला चला सकते हैं। आज आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ये सर्टिफिकेट पकड़िए, सर्टिफिकेट से मैं पकड़िए सर्टिफिकेट ले रहे हैं, एक हाथ में सर्टिफिकेट और एक हाथ में जॉब। और ये इनका लाइसेंस है माशाल्लाह, ये लाइसेंस होल्डर भी हैं, इनका हेवी लाइसेंस बन चुका है। ये बहुत तेज हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इनको हम लोग ऑपरेटिंग में भेजने के लिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर में जाएंगे वहाँ। ले लीजिए आप लाइसेंस। तो आप यहाँ से जाने के बाद में पिंटू कि आप वहाँ जाके मशीन चला पाएंगे? यस सर चला सकते, उम्मीद है? यस सर पूरा, तो नहीं सर पूरा 100% सर। तो अभी आप जॉब में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली में सर। दिल्ली, बातचीत हो गई फाइनल? जी सर बात, आज ही निकल रहे हैं, आज ही शाम को निकलेंगे। तो इनका दिल्ली में जॉब लग गया है, आज ही जा रहे हैं माशाल्लाह। हम लोग दुआ करेंगे वहां पर जाके मतलब अच्छे से काम करें, बहुत ढेरों सारा मेहनत करें और ढेरों सारा पैसा कमाएं। यस सर क्रेन चलाने के मिलेगा तो चला लेंगे सर। चला लोगे ना? यस सर चला लेंगे। उससे जो है ड्राइविंग करना पड़ता है, खास करके जो भी मैं हमारे व्यूअर्स लोगों को मैं बता दूं कि आप कहीं भी जाते हैं ऑपरेटिंग सीखने के लिए, चाहे वो हेल्परिंग में सीखे कहीं कंपनी में जाकर के, या किसी मालिक के अंडर में सीखे प्राइवेट में, या किसी इंस्टीट्यूट में जाए, तो वहां सुनिश्चित कर लें कि आप उनके पास में अपनी मशीन है कि नहीं। अपनी मशीन है तो कितना देर मशीन मिलता है, एवरीडे कितना देर मशीन मिलता है, थ्योरेटिकली क्या नॉलेज है, सर्टिफिकेट का क्या है, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जॉब में अभी जा रहे तो जॉब का सर्विस चार्ज लग रहा है? नहीं सर नहीं लगा है सर, उसी में थी, फिक्स में हो गया उसी सर, में हो गया जी सर। तो पहले सर्विस चार्ज लगता था क्योंकि कंसल्टेंसी के अंडर में हम लोग भेजते थे, तो वहां पर कंसल्टेंसी वाला लोग पैसा लेता था, तो आजकल हम लोग को फ्री में भेजने लगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट लोग बोलने लगे कि सर पैसा भी देना पड़ रहा है, बहुत सारे बच्चे गरीब टाइप के रहते हैं और बहुत सारे के इकोनॉमिकल उतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं, तो लोग हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में, जैसा कि पिंटू जा रहे हैं, इनका भी एक भी पैसा नहीं लगा, एक भी नहीं लगा, वही चार्जेस में आप वही फीस में हो गया सर, सब वही सब कुछ उसी में सर। तो माशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे कि आप जाओ पिंटू और खुश रहो और अब ढेरों सारा पैसा कमाओ, वहाँ टिक के काम करो और जो भी मशीन मिले आपको आसानी से चला लो, क्योंकि आपके पास में अंडर में आपका लाइसेंस है, ये लाइसेंस होल्डर ये हेवी लाइसेंस है, बना चुके हैं, लाइट भी है हेवी भी है, और ये वहां पे जाके चाहे हाइड्रा मिले, फराना मिले, चाहे मोबाइल क्रेन मिले, चाहे हस्ती क्रेन मिले, क्रावलर क्रेन मिले, कोई भी कंपनी में अगर मशीन मिलता है तो चला लेंगे, कॉन्फिडेंस है, हम भी देखें इनका किस तरह से चलाते हुए। और मैं दुआ करता हूँ कि आप जाओ, और आखिरी में क्या बोलोगे थोड़ा से बिहार वाले को, क्या बोलना चाहोगे? बिहार वाले से यही बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर आइए और ट्रेनिंग कीजिए और जल्द से जल्द अपना कुछ। बहुत सारे लड़के डर जाते हैं कि भाई पता नहीं ये सब फेक समझते हैं, और बोले कि अरे क्या ट्रेनिंग वाले लोग पैसा ले लेते हैं, कुछ सिखाते नहीं है, तो आप उन लोगों को क्या जवाब देना? नहीं यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। अच्छा यहाँ पर सब कुछ मिलता है, जो जो चीज बोला जाता है वो चीज मिलता है, सब YouTube पे जो बोला जाता है वो सब मिलता है। YouTube पे बोला जाता है आधा घंटा मिलता है मशीन, तो आधा घंटा मिलता है जी, आधा घंटा कुछ कम नहीं है? नहीं सर काफी है सर, काफी आधा घंटा। यस सर आप आधा घंटा चला बोल रहे थे, नहीं चला लेते थे? नहीं सर मिल जाता है, मिल जाता था। यस सर तो चलिए ये था पिंटू जो कि ये जॉब में जा रहे, खुशी की बात है कि जॉब में जा रहे। मैं आप लोग दर्शकों को बता दूं, ये है हमारी जो क्रावलर क्रेन, इसको भी चलाने के लिए आपको एक ऑपरेटर, अच्छा ऑपरेटर का जरूरत पड़ता है, ये भी एरिया हाविस करने के लिए है, ये बूम अप डाउन में होता है इसे, और 360 डिग्री एंगल में स्विंग कराया जाता है। इसका भी मेंटेनेंस के बारे में नॉलेज रखना, लीवर फंक्शन के बारे में नॉलेज रखना, सिग्नल के बारे में नॉलेज रखेंगे और लीवर फंक्शन के बारे में नॉलेज रखें, आसानी से मशीन चला सकते हैं। कोई भी मशीन, एक मशीन चलाएंगे तो ये भी मशीन चला सकते हैं। ये हस्की क्रेन है जिसको हम लोग ऑटो क्रेन कहते हैं, ये एक ही कैबिन में, एक ही इंजन में, और इसमें डबल फंक्शन काम है, इसको ड्राइव भी करके लेके जा सकते हैं आसानी से। देखिए इसको ड्राइव भी आप करके लेके जा सकते हैं, ऑटोमेटिक लीवर से ये हो जाएगा, यार आसानी से ड्राइव करके इसको लेके जा सकते हैं। ये भी 360 डिग्री एंगल पर ये स्विंग करेगी,
ये भी 360 डिग्री एंगल पे ये स्विंग करेगा। इसको हम लोग ऑटो हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन कहते हैं, या हस्की क्रेन होगा, और ये टेलीस्कोपिक अप डाउन होगा। ये आपका हॉस्ट ब्लॉक है, इससे भी आरिया हाविस कर सकते हैं। ये भी आपको ड्राइविंग करके लेके जाने के लिए एक ही कैबिन रहता है, इसको ऑटो हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन कहते हैं, हस्की क्रेन कहते हैं। और ये जो क्रेन हमारी पास में है 50 टन लिबर कंपनी की क्रेन है, 50 टन वाली। इसमें भी 360 डिग्री एंगल पे स्विंग हो जाएगा, ये भी 360 डिग्री एंगल पे स्विंग हो जाएगा। ये आपका बूम, टेलीस्कोपिक बूम इन आउट करने के लिए, बूम अप डाउन करने के लिए है। और इसका भी मेंटेनेंस के बारे में, अगर आप मशीन चलाने जानते हैं, इंडिया के अंदर में काम करने चाहते हैं, तो इसके बारे में काफी नॉलेज रखना पड़ेगा। ड्राइविंग के बारे में आपको फुली नॉलेज होनी चाहिए। अगर ड्राइविंग जानते हैं तो ये मशीन को भी आसानी से कहीं लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इसका मेंटेनेंस के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, लुब्रिकेंट के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, लीवर फंक्शन के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, हैंड सिग्नल के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, और जिसको कहते हैं लोड चार्ट, लोड चार्ट के बारे में नॉलेज रखेंगे तो आप कहीं भी जाके आसानी से मशीन चला सकते हैं। तो आपको कोई भी एजिटेशन नहीं होगा, थोड़ा सा ब्रेक मिलने की जरूरत है, ब्रेक मिलेगा आप ताबड़तोड़ अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और कहीं भी आसानी से कंपनी में बाय चॉइस आप काम कर सकते हैं, सैलरी अच्छी मिलेगी। ये सब कंपनी में अगर काम करेंगे तो, अगर जिसको एक्सपीरियंस है 30-35 हज़ार सैलरी हो जाएगी, गल्फ कंट्री में काम करेंगे 60-70 हज़ार कम से कम सैलरी मिलेगी। तो आप तैयारी कीजिए और कोशिश करें कि गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए। याद रखें, कहीं भी आप जाइए, किसी भी जगह में जाइए ट्रेनिंग करने के लिए, सबसे पहले वहाँ सुनिश्चित कर ले 100% आप श्योर हो जाइए कि उसके कंपनी के पास में अपनी मशीन है कि नहीं है। जो भी इंस्टीट्यूट के पास में अपनी मशीन है, और है तो कितना देर सिखाता है, कितना घंटा सिखाता है, थ्योरी का क्या फैसिलिटी है, प्रैक्टिकल का क्या फैसिलिटी है, मशीन कितना आवर्स मिलता है, ड्राइविंग में कितना आवर्स देता है। ड्राइविंग अगर क्लियर नहीं रहेगा तो मशीन आप कभी भी चला नहीं सकोगे, ड्राइविंग भी क्लियर करना पड़ेगा, तब आप एडमिशन लेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं भी जाकर आप आसानी से काम कर सकते हैं। या तो अधूरा सीख के जाएंगे, कंपनी से भगा दिया जाओगे, कोई प्राइवेट में भी मशीन नहीं देगा, क्योंकि मशीन इतनी कीमती है, कोई भी आपको छूने नहीं देगा। तो इसलिए आप तैयारी कर लीजिए, सोचिए समझिए एडमिशन लेने से पहले। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे पास में मैम है, इनसे पूछेंगे कि आप, चित्रा मैम, आपने बताया कि हमारे पास में जो स्टूडेंट आते हैं, दूर दूर से आते हैं, बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं, तो उनको किस तरह से कन्विंस करना पड़ता है, कि मोटिवेट करते हैं कि उन लोग एडमिशन यहाँ लेते हैं, उन लोग कितना समझाना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट उन लोग की बहुत ज्यादा रहती है। एडमिशन लेने से पहले उन लोग सोचते हैं कि पता नहीं मैं सीखूंगा तो सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, पता नहीं मैं सीख लिया पैसा दे दिया मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। उनको किस तरह से आप कन्विंस करते हैं, इसी तरह से वीडियो दिखाते हैं हमारे जो पिंटू अभी जा रहे हैं जॉब में, दिल्ली जा रहे हैं माशाल्लाह, कैसा कन्विंस करते हैं सर? देखिए, ज्यादातर क्वेश्चंस यही होते हैं, क्योंकि उन लोगों के मन में एक शंका होती है कि मैम आधा घंटा ही सिर्फ सीखने को मिलेगी, इसमें हम क्या सीख जाएंगे, क्या ही हमको समझ में आ जाएगा, थ्योरी पार्ट मैम क्या जरूरी है थ्योरी पढ़ना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है थ्योरी, क्योंकि आपको थ्योरी पार्ट में सिखाया जाता है डायग्राम के साथ, चित्र बना करके सिखाया जाता है कि किस तरीके से किस पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या नाम है, क्या सिग्नल्स हैं, वो आपको चित्रों के द्वारा भी सिखाया जाता है ताकि आप देख करके समझ सके। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल सर हमारे पास गाड़ी जो है वो सारी खुद मौजूद है, तो प्रैक्टिकल हम भरपूर मात्रा में इनको शानदार तरीके से देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आधा घंटा सोच करके बैठते कि कुछ नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये आपके सामने उदाहरण खड़े हैं हमारे सामने, ये लोग प्रैक्टिकल इनको हम लोग सर भरपूर देते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि इस स्टूडेंट में वो बात है कि ये कर पाएगा आगे, तो प्रैक्टिकल की कोई बाउंडेशन ही नहीं रहती। देश विदेश से लोग पूछते हैं कॉल करके कि मैम जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, जॉब इन लोगों का मेन फोकस होता है। तो ये भी सर उदाहरण आपके सामने ही है कि इन्हें जॉब के साथ हम भेजते हैं। चित्रा मैम, और एक बात है कि हमारे व्यूअर्स लोग कभी कभी कमेंट्स में लिखते हैं कि भाई डेढ़ महीने से कौन सीख पाएगा, क्या सीखेगा डेढ़ महीने में, डेढ़ महीना तो बहुत कम होता है, इंस्टीट्यूट वाला पैसा ले लेता है, सिखाता नहीं है। लेकिन मैं उन लोग को बताऊंगा कि आप अगर डेढ़ महीने में यहाँ नहीं सीख पाते हैं, आप अगर हेल्परिंग करने जाते हैं, जो बंदा अच्छा खासा पैसा है, 20-25 हज़ार का मोबाइल इस्तेमाल करता है, घर में अच्छा पैसा है, या पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत, वो हेल्परिंग कभी नहीं कर सकता। अगर आप हेल्परिंग करेंगे तो आपको दो तीन चीज कमी, फायदा तो कुछ होगा कुछ कमी भी रहेगी। कमी क्या रहेगी? आपको थ्योरेटिकली नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको किसी के साथ बात करना है वो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, आप सिर्फ एक ही मशीन के बारे में जानकारी रखेंगे, बाकी मशीन के बारे में जानकारी नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, क्योंकि हेल्परिंग करेंगे तो क्या है कि आपको समय भी ज्यादा लगेगा। आप कम से कम ये सब मशीन सीखने के लिए 1.5-2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी लग सकता है सीखने के लिए। अगर कंपनी वाला अच्छा है, मालिक आपका अच्छा है, या ऑपरेटर अच्छा है, तो आपको मशीन देगा चलाने के लिए, नहीं तो काफी समय लग जाएगा, आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, इस तरह का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। जो सर्टिफिकेट मिलता है, आप बड़ी कंपनी में जाओगे तो इस तरह का सर्टिफिकेट जो हम लोग देते हैं बना करके, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है, NCBT से अप्रूव्ड है, तो ये सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं, इस तरह का सर्टिफिकेट बहुत सारा चीज में कमी रह जाएंगे। आपको चॉइस है,
आप हेल्परिंग करके सीखना चाहते हैं दो तरीके से आप सीख सकते हैं, हेल्परिंग करके भी चाहते हैं तो हेल्परिंग करके भी सीख सकते हैं, लेकिन समय आपका काफी लग जाएगा। लेकिन आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में लेके एडमिशन करके वहां से सीखना चाहते हैं थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप पैसा अच्छा कमाएंगे, अच्छा नॉलेज रखेंगे, अच्छी कंपनी को आप टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलता रहे। और हमारे जो भी दर्शक यहाँ आना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके यहाँ आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया 9334820330 9471308285, दोनों नंबर पे फोन करके डिटेल जानकारी ले लीजिए। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर भी, व्हाट्सएप से भी चैटिंग करके डिटेल जानकारी ले लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।